नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश। आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा एग्जाम 2018 22 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसका सही क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए और प्रूफ के साथ। ठीक है दोस्तों, प्रूफ के साथ क्यों लिखे यहाँ पर प्रूफ, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि हम आज एक वीडियो अपलोड किए थे लगभग में 4 बजे शाम में दोस्तों, और वह वीडियो जो था कोई लड़के ने क्वेश्चन जो व्हाट्सएप के द्वारा 22 दिसंबर का क्वेश्चन है वह लिखा था, और मैंने उस क्वेश्चन को आपके बीच वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए। लेकिन वह क्वेश्चन जो था दोस्तों गलत था। बहुत सारे लोग ने कॉमेंट किया था कि यह क्वेश्चन गलत है, तो आप लोग सही कॉमेंट कर रहे थे क्वेश्चन गलत था। तो आप लोगों से हम क्षमा मांगते हैं कि हम उस वीडियो को बनाएं और वह वीडियो गलत था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि आपको इस चैनल के द्वारा आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलेगा। आज से ये गलती हो गया दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं ये चैनल आपका चैनल है और हम सब का चैनल है। आप लोग जितना अच्छा से सपोर्ट करिएगा वो इतना अच्छा से ये चैनल बनेगा और जो दोस्तों आपके लिए हेल्पदायक होगा, आपका हेल्प होगा और हम लोगों का हेल्प होगा और जितने भी लोग हैं इस चैनल पर जुड़े सबको हेल्प मिलेगा अगर आप लोग जो है अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन देते हैं और मैं उस वीडियो बनाते हैं तो ही इस जो है यह चैनल बन सकता है। अच्छा, उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जो है ये चैनल को बनाया है, इतना तक पहुंचाया है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए अच्छा से। आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर लीजिए, आपको जितना चाहे जानकारी मिलता है आपको हमको सेंड कीजिए, हम आपके साथ हैं और हम जो है उसको वीडियो बनाएंगे और सभी को सेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम जो ये चैनल जो है पैसा कमाने के लिए नहीं बनाए थे, आप लोगों के हेल्प के लिए बनाए हैं। हम सब मिलकर हेल्प करेंगे, सारे लोगों को हेल्प मिलेगा इस चैनल के द्वारा और आप सबका हेल्प मिलेगा। और मैं पैसा कमाने के लिए नहीं, मैं व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, मैं सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हेल्प आप लोगों के, और आप लोग हेल्प मिलेगा आप लोगों के सपोर्ट से मिलेगा। तो दोस्तों, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए तो आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों बहुत बात हो गया, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन जो है सही क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन आ रहा है, दंतेवाड़ा जिला किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों, कहाँ जो है होता है, तो ये जो है सॉरी यहाँ पर होगा किस कहाँ होता है, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों ग्रेफाइट, तो आपका जो हो जाएगा उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरपंच का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1946 का सांसद भवन का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर दोस्तों क्या है, भीमराव अंबेडकर और दामोदर क्या है दोस्तों, दामोदर सावरकर और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो कौन होगा दोस्तों जो है ये नहीं था, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, DRDO का अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अविनाश जो है अविनाश चंद्र। ठीक है दोस्तों, अविनाश चंद्र इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गीता का अंग्रेजी में किसने लिखा, तो विलियम बिलंकिस। ठीक है दोस्तों, विलियम बिलंकिस ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, विनेश फोगट किस खेल से संबंधित है, विनेश फोगट जो किस खेल से संबंधित था दोस्तों, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा कुश्ती से, और 21 अगस्त जो है 2018 को गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, यंगेस्ट खिलाड़ी फीफा 2018 का कौन है दोस्तों, कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा कलियान एम्बाप। ठीक दोस्तों, कलियान एम्बाप्पा, ठीक है बाप्पा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है दोस्तों, ओजोन परत
वक्त जो है कहाँ है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ये क्वेश्चन में थोड़ा और कुछ लिखा होगा लेकिन जो है यहाँ पर जो है हम नहीं लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हम एक लिखे हैं एस्ट्रेंटोस्फियर के नीचे निचले भाग में जो है ओजोन जो परत पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, एस्ट्रेंटोस्फियर के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सतह पर एक निश्चित तापमान अधिक गर्मी फैलती है, तो दोस्तों काले और रफ, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, काले और रफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया किस नदी पर जो है, किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों बसा है तो फल्गु नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेल 2018 का आर्चरी में भारत कौन सा देश से हराया था, कौन से देश से दोस्तों भारत हराया था, तो जापान, ठीक है दोस्तों, जापान इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम, कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम तत्व, ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये जो है मैथ से था, एक दुकानदार को 1140 रुपया की कुर्सी बेचता है, 5% की हानि हो जाता है, अब अगर उसको 5% के लाभ पर बेचता है तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा अगर उसको 5% का लाभ जो है लाभ में बेचना होगा तो कितना में उसको बेचेगा, तो ये आपको बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट कुछ जो क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर 11 21 43 और 85, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम बना देते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर जब हम 5 × 2 करते हैं और जो है +1 करते हैं तो आता है 11, ठीक है, उसी तरह जब हम करते हैं 21 × 2, ठीक है दोस्तों, 21 × 2 और प्लस जो है सॉरी दोस्तों 11 × 2, ठीक है दोस्तों 11 × 2, अब -1 करते हैं तो आता है 21, एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ, तो उसी तरह ध्यान रखना यहाँ पर 43 है, ठीक है, 43 × जब करते हैं 2 तो आता है कितना, आपका आता है दोस्तों 86, ठीक है, तो 86 तो आपका जो है माइनस में 1 हो जाता है तो 85 हो जाता, तो उसी तरह यहाँ पर वाट में 85 × जब 2 करते हैं तो आपका जो आता है 165 कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा, ठीक है, 170 में जब 1 जोड़ते हैं यहाँ पर प्लस होगा दोस्तों तो 1 होगा, तो 171 इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट, ठीक है दोस्तों 171। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर गुना में लिखा है 2, यहाँ पर जो है दोस्तों देख लीजिए, गुना में लिखा है 2 और -1, फिर कोमा लिखा है, फिर यहाँ पर गुना लिख दिया है, और फिर जो है गुना का चिन्ह, फिर 2, फिर +1 लिख दिया है, फिर कोमा लिख दिया, फिर गुना का चिन्ह, फिर 2 माइनस है, तो ये क्वेश्चन आपको बना लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 17 है, और यहाँ पर अनुपात में 401 है, और फिर समानुपाती दिया है 13, और वर्ड में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कॉमेंट में अपना राय जरूर देना है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट जो है, ये जो यहाँ पर है तिरहुत क्षेत्र जो है बिहार का क्या है दोस्तों, हिस्सा है, और यहाँ पर जो है तिरहुत क्षेत्र बिहार का जो है किसके किनारे है, तो गंगा के क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, किस क्षेत्र को कहा जाता है, तिरहुत क्षेत्र दोस्तों बिहार के गंगा के क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों, कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर है 1/132 है दोस्तों, और यहाँ पर इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है, और इस तरह से ब्रैकेट दिया गया है, और 1/5 है, और फिर ब्रैकेट है, और फिर प्लस है, और फिर इसी तरह से 1/64 है, और फिर ये जो इस तरह से है, और फिर इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपका आता है रीजनिंग में तो वो आप अच्छी तरह से कर लेना, और एवरेज से पूछ रहा है मैथ में, एलसीएम से, एससीएफ से, और जो आपको बता देता हूँ सीआई और एसआई से जो है इससे क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक है तो दोस्तों सीआई और एसआई से आपका जो है क्वेश्चन आ रहा है, तो इससे आप जो है बना लीजिएगा अच्छा क्वेश्चन, आपके लिए आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों टंगस्टन कौन सा देश में सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन को आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों CSA2X, ठीक है दोस्तों, तो ऑक्साइडिंग होगा, ऑक्साइडिंग, तो ये क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों 2018 में कितने बच्चों को बहादुरी का पुरस्कार मिला है, कितने बच्चों को मिला है, तो आपको जो है इसका जो है आंसर भी आपको कमेंट में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ठीक है दोस्तों नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको मालूम होगा डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र का दर्जा कब मिला है दोस्तों, और संशोधन के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा, तो आपको मिला है दोस्तों 1912 में दिल्ली को राजधानी का दर्जा, और ये जो है किस संशोधन के द्वारा, 67वें संशोधन के द्वारा मिला है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका जो था पूछा गया था दोस्तों, आपका ये राइट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका ये फेक नहीं है, तो आपको ये प्रूफ भी दिखा देते हैं, यह क्वेश्चन जो भेजा है उसका नाम भी सुन लीजिएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो भेजा है दोस्तों उसका नाम है निधि रंजन जी ने भेजा है, और ये जो है बहुत सारे क्वेश्चन भेजा है, 7-8 क्वेश्चन ये जो है भेजा है निधि रंजन जी के द्वारा। तो आप जो है आप लोगों के पास भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग भी भेजा कीजिए, और आप लोग को हेल्प मिलेगा, सभी लोगों का हेल्प मिलेगा। आपको बताता हूँ कि ये चैनल सभी लोगों का है, सब लोग आप जो है मिलकर इस चैनल को जितना आगे बढ़ाइएगा आप लोगों का हेल्प मिलेगा, सबको हेल्प। कुछ क्वेश्चन जो भेजा गया है निधि शर्मा जी, सिन्हा जी के द्वारा भेजा गया है, देख सकते हैं निधि सिन्हा जी, और सभी ने कमेंट में लिखा है तो ही हम वीडियो को बना पा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है सम्राट अजय के द्वारा भेजा गया, तो ये सब जो है हेल्प किया तो हम वीडियो को बनाएं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, और जो है आप लोग जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए, और आप लोग जितना हो सके आप हेल्प कर सके, सभी जो भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप जो है इस नंबर पर, आपको कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो तो आप जो इस नंबर पर सेंड कीजिए, हम जो आप लोगों के हेल्प के लिए हर समय जो है दोस्तों, आप लोग जितना चाहे हमसे हेल्प ले सकें, और आप लोग जितना चाहे इस चैनल के द्वारा हेल्प दे सके, सब मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों तो आप लोगों के साथ है, हम सब इस चैनल के साथ है, हम यह चैनल आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, सिर्फ दोस्तों हम पैसा कमाने के लिए नहीं बनाए, तो आपको बार बार बोल रहे हैं इस चैनल के द्वारा सही जानकारी मिलेगा। थैंक्स दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए दोस्तों, फिर मिलेंगे।